तो यहाँ पे अभी शिव बाबा को खड़ा करने वाला है, पूरा मतलब खड़ा होने वाला ही है। और इस अभी यहाँ पे बड़वा को सजा रहे हैं यहाँ पे रिवर वगैरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पंडा मतलब मड़वा को किस तरह सजा दिए हैं। अभी इसमें और बैलून वगैरह लगाना बाकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आधा काम हो गया है, आधा काम और बाकी है, उसके बाद जाएंगे यहाँ से पानी काटने के लिए कुछ दूर और। तो मिलते हैं आप लोगों को कुछ देर के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे शिव बाबा को यहाँ तैयार किया जा रहा है इसे खड़ा करने के लिए। यहाँ पे भी आपको अच्छा तरीके से इसे पूरा छीला जाएगा, पूरा चिकन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस का होने के बाद अंगना में इसे ले जाके निर्माण किया जाएगा। अभी तो अभी इसमें लगेगा 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर टाइम लगेगा इसको अच्छे से फ्रेश करने में। फ्रेश होने देते हैं, उसके बाद चलते हैं अंगना में जहाँ पे इसे विराजमान किया जाएगा। और इसे खड़ा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे, बस बने रहे हमारे वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव बाबा को खड़ा करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे गड्ढा खोद के पहले माटी को साइड किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ला के इसमें विराजमान किया जाएगा इसी स्थान पर। तो यहाँ पे मेरे अंकल जी यहाँ पे खोद रहे हैं गड्ढा, और ये कम से कम 3 फीट का होगा। तो यहाँ पे अभी सभी लोग खिलाड़ी पर बैठ गए शिकार छुपान छुपाने के लिए, और यहाँ पे शिकार छुपान होगा 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद यहाँ पे सारा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं शिव बाबा को खड़ा करने के लिए, और यहाँ पे और बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं अभी यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा पाठ होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद यहाँ पे शिव बाबा को अंगना में लेकर जाएगा। यहाँ पे अभी हो रहा है पूजा शिव बाबा का, और यहाँ पे थोड़ा देर पूजा होने के बाद यहाँ पे लेके जाएगा इनको। आप देख सकते हैं कितना लंबा है, और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे एक दो आदमी से होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, और अभी बहुत सारे लोग आएंगे इसे देखने के लिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को कुछ देर के बाद, यहाँ पे बने रह सकते हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पे अभी लेकर जा रहा है शिव बाबा को यहाँ पे अंगना में। आप देख सकते हैं कितना आदमी की जरूरत पड़ता है यहाँ पे इसे देखने के लिए, और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। पूरा आदमी का भीड़ है पूरा चारों जगह, आप देख सकते हैं पूरा आदमी और लेडीज का यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, और इसे लेकर जा रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों का भीड़ है पूरा, और यहाँ पे सब अभी नारा लगा रहा है, इसे उठाने का प्रयास कर रहा है, और ये बहुत वजन है यहाँ उठाने में, हो रही बहुत मुश्किल। ओ ये दीवार पूरा हिल रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं रस्सी लेके यहाँ पे चढ़ के उसे खड़ा करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग और यहाँ पे बहुत सारे लोग नीचे भी है, और इसे बहुत मुश्किल से खड़ा किया जा रहा है। अभी 3 तल्ला छत पे आ गए यहाँ पे रस्सी को खींचने के लिए, यहाँ पे सारे लोग नीचे हैं, तो यहाँ पे भी रस्सी लगाए हैं, ऊपर में भी रस्सी लगा हुआ है, और हमारे यहाँ भी रस्सी लगा हुआ है, और इसे बहुत मुश्किल से खड़ा किया जा रहा है। अभी यहाँ पे पूरा अभी लेप लगाया जा रहा है, इसमें घी और सिंदूर का लेप, सभी को यहाँ पे लेप लगा रहे हैं अभी, उसके बाद इसे पूरा लाल किया जाएगा। उसके बाद कोना में यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको शिवलिंग का कुछ उसको ठोका जाएगा, उसके बाद इसे खड़ा कर किया जाएगा। अभी शिव बाबा को खड़ा करने का प्रोसेस शुरू हो गया है, यहाँ पे सभी लोग रस्सी को खींच रहे हैं जोर लगा के, क्योंकि ये इधर उधर हो सकता है और गिर भी सकता है, इसीलिए ऐसे ध्यानपूर्वक से खींचा जाता है, और इसमें जोर और हिम्मत और जनून की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे अभी शिव बाबा को खड़ा करने वाला है, पूरा मतलब खड़ा होने वाला ही है। और इस तो फाइनली हमारा शिव बाबा यहाँ पे खड़ा हो गया है, ये देख सकते हैं कितना मुश्किल के साथ यहाँ पे इसे खड़ा करना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए लोगों कितना भीड़ है यहाँ पे अभी, और पूरा चारों तरफ रस्सी लगा हुआ है इसे खींचने के लिए, और बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ पे शिव बाबा खड़ा हो गया है, और मैं भी यहाँ पे खींच रहा था इसलिए अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे शिव बाबा फाइनली खड़ा हो गए हैं, और बहुत लोगों के हिम्मत और जनून के साथ इसे खड़ा किया गया अभी। तो देखिए हमारा शिव बाबा यहाँ पे खड़ा हो गया है यहाँ पे मेरे अंगने मतलब मेरे चाचा जी का अंगना में, और इसे बहुत मुश्किल से खड़ा किया गया पूरा अभी। और अभी आपके सामने जा सकते हैं यहाँ पे अभी मिट्टी से भरा जा रहा है इसको, तो जाम किया जाता है यहाँ पे अभी, और ये कम से कम 21 फीट से 22 फीट का होगा। अरे बोलवाला ना रे, तो यहाँ पे भी सबको बालू लेकर वहाँ पे देने के लिए गड्ढा में, और हम मस्त से अभी हम भी ले गए हैं 5-6 पर बड़ा बड़ा से, और उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो। यहाँ पे भी सभी देखिए, एक यहाँ पे ले रहा है, इसको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी इसे भर के कर दिया गया है रेडी,
और पूरा यहाँ पे कर दिया गया है जाम, ताकि ये गिरे ना और एक स्थिर पर, मतलब एक जगह पर स्थिर रहे। और यहाँ पे भी सभी लोगों को खाना खिलाया जाएगा, क्योंकि शिव बाबा खड़ा होने के बाद उसका प्रसाद वितरण जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे सारा टेंट वगैरह गाड़ा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग आएंगे प्रसाद खाने के लिए, जैसे में प्रसाद में पूड़ी वगैरह सब्जी वगैरह भी शामिल है। और लगभग में मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आप लोगों को अब नेक्स्ट ब्लॉग में जिस दिन जाएंगे बारात। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को।